तनवारानी पागी जिसका त्याग करया था, को कुछ कहता है, को कुछ कहता है। थोड़े दिन बीते, लड़की बिना से राजा जोधनाथ कहता कि बेटी तेरी जवान अवस्था है और ला तेरी शादी कर दूं, तेरा पति नहीं रहा है कि नहीं, यदि मेरा पति संसार में नहीं रहता तो पिताजी मुझे ज्ञान हो जाता कि बेटी आज तक तो किसी ने ज्ञान होया नहीं, बिछड़े पाछे बेरा ने क्यों हो जा, किसने बेरा है कि हाँ बेरा है, हमारी देवियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पति मरना भी नहीं दिया और ज्ञान भी हुआ, मैं उनमें से एक हूं कि बेटी क्यों खाम खां आंगा ला रही है, क्या मिलेगा इस बात से, या तेरी दूसरी शादी कर दूं कि नहीं। ओए कर राई मैं सज्जन हमारे, ओ यकीता है ये मर ना सके पति मेरा, मर ना सके पति मेरा, कर दाई में सजन हमारे मेरे लिए ये तो मुझे यकीता है ये मर ना सके पति मेरा, मर ना सके पति मेरा। एक ब्राह्मण के कई पुत्री थी, सवाल किया बतलाओ तू, ये घर पे बैठी मौज करो सो किसके भाग का खाओ तू, कई बोली खा अपने भाग का ज्यादा क्यों कलसाओ तू, एक बोली खा अपने भाग का कमा कमा धन, ओए एक ब्राह्मण के कई पुत्री थी, सवाल किया बतलाओ तू, एक घर पे बैठी मौज करो सो किसके भाग का खाओ तू, कई बोली खा तेरे भाग का कमा कमा धन लियाओ तू, एक बोली खा अपने भाग का ज्यादा क्यों कलसाओ तू, फिर छो मैं आके ओ पिता नु बोलिया, ए यो ए लुंगे पति तेरा ये तो मुझे ब्राह्मण के यहां कई लड़कियां थी, एक दिन बड़ा अभिमानी ब्राह्मण था, बैठा के पास मोर कहता कि बेटी किसकी भाग का खाती हो, कई तो कहने लगी कि पिताजी आप ही कमाऊ हो, आप ही कमा कर लाते हो, आपके भाग का खाती है। उन्हीं में एक सती सांड ली थी, वह कहने लगी कि पिताजी ये मेरा भाग है, मैं अपने भाग का खाती हूँ दूसरे का नहीं, बहुत छो मैं आया कि तेरा भाग देखता हूँ। एक टुंड था जिसका हाथ पैर नहीं थे, उसके साथ जोड़ दी कि तेरा पति यू होगा कि ठीक है। दिन बीतते चले जाते हैं, पास में जलसा भरा हुआ था, वो लुंद पति कहता है ऐ सती
पेरा ने जीवेंगे कि मरण गे, यू जलसा दिखा दे ने, के बहुत बढ़िया बात है, टोकरे में अपने पति को बैठा के और जलसे की सैर कराती है, कैसे? ओए फिर वह लड़की लुंज पति की सेवा करने लगी मन चाही, जलसा देखाने कई पति ने बैठा टोकरे मैं लाई, मंडप ऋषि चढ़े सूरी पे रगड़ लगी काया दुख पाई, श्राप दे दिया रानी होन का सुन पति भरता घबराई, उस पति भरता के धर्म का कारण ग्यारह दिन रह अंधेरा, ये तो मुझे टोकरी में बिठा के और सैर करवाती है, किसी श्राप से दो बल्ली गाड़ के और ऊपर के वो डंडा बांध के और ऋषि मंडप को फांसी पर लटकाया हुआ था। बहुत ज्यादा भीड़ थी, जब वह लड़की अपने पति को उसके साथ के ले जाने लगी, धक्का लग कर वो टोकरा उस बल्ली का डाला गया और वह बल्ली हली, वो सड़क पास की रगड़ ऋषि के गल में लगी, कहता है ओ किसको लिए फिरती है, जाकर के विधवा हो जाएगी। उस सती ने पहाड़ आ लिए, सूर्यना आया, ग्यारह दिन बीत जाते हैं, आहाकार मार जाती, मृत लोक की आवाज सूर्य लोक में गई के महाराज सभी देवता बैठे हुए थे, चर्चा चली के मृतलोक में 11 रोज बीत चुके, सूर्य नहीं जाता। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, एक सती अड़ी हुई है, हाथ जोड़ता है, विनती करता है, कैसे? स्वर्ग लोक में चक्कर चला, सूरज नजरा ना आता, ब्रह्म वचन इस दुनिया के मां हर गिजना खाली जाता, हाथ जोड़ फिर ब्रह्मा बोले दिन को निकलन दे माता, देवा दिन को निकलन देती वो पति जीवता ना पता, ओए सांप टाल दिया सूरज बुलाया, ओए कर दिया सबरण का चेहरा, ये तो मुझे रानी के धर्म के कारण नाहु सुरुग से आन गिरया, दमयंती के सत्य के कारण वो नीच पहाड़ दी आन मरया, मेरे पति का खून पसीना बियाबान में दर्व धरया, तू है माता तू है पिता और तू है से दे धर्म मेरा, लक्ष्मी चंद के तू ये सब कुछ, ओए काम न कर और घर तेरा, ये तो मुझे